पुलिस और खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स सत्तू पांडे को बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। सत्तू पांडे बेसिकली पवन पांडे के साथ पहले था और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ इसने कई एक अपराध किए। यहाँ फैजाबाद में एक कॉन्ट्रेक्टर सत्येंद्र सिंह को मारा था और यूपी गवर्नमेंट ने इस पे 1,00,000 रुपए की गिरफ्तारी पे इनाम भी रखा है और हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं, तमाम जगह की पुलिस इसे ढूंढ रही है। स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सत्तू पांडे उत्तर प्रदेश के पूर्व माफिया सरगना श्री प्रकाश शुक्ला का पुराना साथी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सत्तू पांडे ने श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर विभिन्न संगीन आपराधिक वारदातें की है। श्री प्रकाश शुक्ला को तो हमारे एक टीवी प्रोग्राम में प्रसारित होने के बाद आपके द्वारा पहचान लिए जाने और इसकी बाबत हमें सूचना देने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके में धराशाही कर दिया। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का कथित साथी आज भी हमारी सड़कों पर आजाद घूमकर सीधे साधे आवाम का कथित दुश्मन बना हुआ है। 26 जनवरी 1996 वक्त दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे फैजाबाद उत्तर प्रदेश। इस दिन शराब के ठेकेदार सत्येंद्र सिंह अपने दो साथियों के साथ मारुति कार में अपने घर की जानिब रवा थे। इस बात से बेखबर कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का निहायत खूंखार कथित अपराधी सत्तू पांडे और इसके साथी रास्ते में इनका इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह ने जहां एक तरफ अपने व्यवसाय को लेकर विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों को अपना दुश्मन बना लिया था, वहीं दूसरी तरफ सत्तू पांडे और श्री प्रकाश शुक्ला को पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रभावशाली राजनीतिज्ञों और आपराधिक छवि रखने वाले व्यवसायियों से संरक्षण प्राप्त था और श्री प्रकाश शुक्ला और सत्तू पांडे के गिरोह को ये प्रभावशाली लोग अपना उल्लू सीधा करने की गरज से इस्तेमाल कर रहे थे। मंत्री जी के पास आए हो, अब मंत्री जी के पास आए हो समझ लो, काम काम हो गया। अब तुम कुछ बात बताए हो, बुलाए हो, किसको बुलाए? कौन है? तुमने श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सुना? सुना है ना, वो है आ रहे हैं, वो है आ रहे हैं। अब तो क्या कहा है भाई, दिल्ली से लाख घर से और अरे अपना पीए का फोन है, पीए का। अरे अब बोल। हाँ क्या बात है? अरे गधा कहीं की तो तू उसको बाहर लेके बैठा हुआ है? हाँ अरे वो हमारे खास आदमी, हम दो बुलाए थे यहाँ पे अपने काम के लिए। हाँ अरे तेरा खाखा का चटनी चढ़ गया क्या बताऊंगे, सब निकाल देंगे, मार मार के भूसा भर देंगे हम। पिए कहीं का, पिए के तरह का हो, लेके आओ उसको अंदर, समझा क्या समझा? हाँ ये अपना पिए है, चटनी चढ़ गया बदन के ऊपर में। अच्छा सुना, एक बात सुना, देखा जो बात तोरा हम समझेलियो है वो तो दिमाग में रखिया। देखा इनका ख्याल रख दिया, ठीक है? आ इनका ख्याल अगर ना तू रखबा, आ बीच में कुछ गड़बड़ करबा तो तू सोच ला। नहीं मरना है क्या, मंत्री बनना है ऐसा कैसे कर? हाँ तो अपन प्राण बचाने के बाद ना, तो हमारे बात के ध्यान रखिए, हमारे बात के ध्यान रखिए। आवा 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 राम बेटा जी, खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा। राम राम शुक्ला, बैठा बैठा बैठा। आज का समाचार है? समाचार आप लोग के पास होगा, ठीक है ना? असेंबली में तो आप लोग बैठते हैं। हाँ। कैसे याद किए? अरे तू काटू कुटू को देख रहा है रे? हाय आका कुटू कुटू सुन रहा है? ए बात सुन रहा है? ओए हम जब खास बात करते रहते हैं हैं, तुम्हें दिमाग में गुस्सा भर गया तो क्या काम का? एक काम तो मारे, एक चीज एक मारे ना, हाँ तो घुबैया घूम जाना थोड़ा, फुट फुट यहाँ से फुट फट कोशिश कर रहा है। जब इनको तकलीफ होता है तो हमको बहुत तकलीफ होता है, काहे कि हम मंत्री हैं। अब जनता को तकलीफ हो, मंत्री ना देखे ना समझे तो मंत्री किस
बात का भाई, हम जीत के क्यों आए? इसीलिए ना आए हैं ताकि मंत्री बनूं और जनता का सेवा करूं। आज इनका हम सेवा करना चाहते हैं, कौन इनको तकलीफ पहुंचाना चाहता है, हमको बहुत तकलीफ होता है। ये तकलीफ कितना देखिए। कौन है वो? सत्येंद्र भैया। शुक्ला भैया, सत्येंद्र। अरे बोल ना, क्या बात है? बोल सर, आपका वो ठेकेदार सत्येंद्र। हाँ सत्येंद्र। हम तो भैया ईमानदारी से दो रोटी कमाना चाहते हैं। भाई है पूछता रहा, अरे कोनो तकलीफ है तो हमको बोलो, हम हैं मंत्री। अरे तोरा सब दुख हम दूर करेंगे, हम दूर करेंगे, का बात है? बोल ना, तू बोल। मंत्री जी, वो जॉन नया नया एसपी आया है ना, उसने नाक में दम करके रखा हुआ। आहा, वो एसपी देहात, वो नया नया शपथ लिया है। ये छोटे मोटे बात पे ध्यान मत दिया करो तुम लोग। तुम लोग अपना काम किया करो, जो तुमको काम मिलता है अपना काम किया करो। ये सब छोटा मोटा काम जो है ना, हमने पकड़ लिया। बहुत उड़ रहा नेताजी, बहुत उड़ रहा। ओकरा समझा दई, आजकल पंख लग गए। अरे कहाँ से पंख लग गया, काट के रख देंगे पंख उसको। हैं, अभी जब हमारे पास आएगा जाएगा, दो चार बार मिलेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। हम अभी फोन करते हैं उसको, अभी फोन करते हैं, अब हमसे आके मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। सुखदेवा, सुनो एक बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी इस वक्त में फौरन एसपी देहात को फोन करो, अब उनसे कहो कि मंत्री जी आ गए हैं, वो मिलना चाहते हैं, चाय भी पीना चाहते हैं। वो फौरन आके हमसे आके यहाँ मिले, समझा? हाँ, फुरफुर मत करो, फुरफुर मत करो, समझा दिया मैंने? फौरन फोन करो। हाँ भैया, ठीक है। अब थोड़ा चाय बना। ए सुखदेवा, चाय बना क्या रे? नहीं नहीं, चाय वाय की कौन सा चाय बना? हाँ चाय ना, रसगुल्ला, रस वाला। चलो जलेबी खाए। बस ना, कुछ ना, बस ठीक है। खुश रहा, खुश रहा, खुश रहा, जीते रहा। हम अति ना बैठल, हम अति बैठल, सब चिंता ना करे, कोनो बात की चिंता ना। हम मंत्री, अरे आपके रहते हम चिंता। खुश रहा, खुश रहा, दिल से बोला मंत्री की जिंदाबाद, मंत्री की जिंदाबाद। 50 साल तक हम ही रहो, ठीक है ना? समझ गया तो बना है ना? हमारे बेहद जानकार सूत्र